नमक के लिए मारामारी मच गई, लोग नमक की बोरियां तक खरीद कर ले गए। अफवाह का ऐसा ही असर दिल्ली एनसीआर तक भी है। आपको बता दें कि नमक बाजार से गायब नहीं हुआ है, ये सिर्फ अफवाह है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार ने सारे जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि अफवाह उड़ाने वालों की पहचान करके कार्रवाई करी जाए। केंद्र सरकार ने भी कहा है ये सिर्फ अफवाह है, बिल्कुल भी ध्यान ना दें अफवाहों पर। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। दिल्ली सरकार ने भी नमक की किल्लत को महज अफवाह बताते हुए कहा है कि लोग इस पर ध्यान ना दें। सबसे ज्यादा असर यूपी में दिखाई दिया, जहां की तस्वीरें आपके सामने हैं, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, रामपुर, इस तरह की तस्वीरें दिखाई दी हैं। और दोपहर से ये अफवाह लगातार धीरे धीरे सामने आ रही थी, लेकिन देर शाम होते होते जंगल में आग की तरह फैल गई इस तरह की खबर कि नमक खत्म हो गया है। और जो नमक 12-18 रुपए किलो मिल रहा था, वो अचानक से उसमें आग लग गई और वो 150 से लेकर 400 रुपए तक बिका।